जवान, इस मूवी का अभी तक कोई टीजर भी नहीं है, बट आई थिंक इस मूवी की जो हाइप है वो पठान से भी ऊपर जाने वाली है। रिसेंटली आपने वो लीक वीडियो तो देख ही ली होगी और सिर्फ मुश्किल से 5 सेकंड की क्लिप होगी, बट भाई साहब उस 5 सेकंड के क्लिप ने मेरे लिए मूवी की एक्साइटमेंट काफी ज्यादा बढ़ा दी है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने एटली की एक भी मूवी नहीं देखी है, बट मैंने काफी सुना है कि मास मसाला मूवीज के मास्टर है। अब ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि जवान पठान से भी बड़ी हो सकती है, उससे ज्यादा हाइप क्रिएट कर सकती है, कलेक्शन भी उससे ज्यादा कर सकती है। तो इसको प्रूफ करने के लिए मेरे पास इस मूवी को लेकर 9 इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जो कि आई गारंटी आप लोगों को शायद ही पता होगा। फैक्ट नंबर 1, मूवी के अंदर SR के डबल रोल प्ले करेंगे बाप और बेटे का। इससे पहले ओम शांति ओम, इंग्लिश बाबू, एसी मैन, डुप्लीकेट पहलिया, फैन, ऐसी मूवीज के अंदर डबल रोल प्ले कर चुके हैं। जवान के बारे में देखा जाए तो मेकर्स ने SRK का एक लुक रिवील किया है, लेकिन दूसरे कैरेक्टर का लुक छुपा के रखा है। मे बी ये वही कैरेक्टर है जो इस लीक्ड वीडियो में था, और अगर रिपोर्ट्स की माने तो इनके ये कैरेक्टर का नाम राजवर्धन ठाकुर होगा। अब आप में से काफी सारे लोग खुश हो रहे होंगे कि क्या बात है, मजा आ गया, SRK डबल रोल में नजर आएंगे। बट रुको, एक और न्यूज है कि साथ इनके फिल्म में 2, 3 या फिर 4 नहीं बल्कि 6 डिफरेंट लुक्स नजर आएंगे। इसमें से एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और थर्ड लुक बताया जा रहा है कि वो विदाउट हेयर होगा। यस, मतलब बिल्कुल उजड़ा चमन। और बाकी लुक्स कैसे होंगे वो तो बाद में पता चलेगा। और कुछ रूमर्स तो ऐसे भी है कि शायद इनके एक कैरेक्टर के अंदर हमें नेगेटिव साइड भी देखने को मिल जाएगा। तो अब ज्यादा तो मुझे नहीं पता है, जितना पता था मैंने उतना बता दिया। फैक्ट नंबर 2, इसकी कास्ट को लेके, इस पूरी मूवी की हाइप में जो सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो इसकी कास्ट, डायरेक्टर एटली, म्यूजिक बाय अनिरुद्ध, SRK इन डबल रोल और नयनतारा, सनाया मनोत्रा, योगी बाबू, सुनील ग्रोवर, प्रिया मानी एंड माय फेवरेट विजय सेतुपति। बट सिर्फ इतना ही नहीं, सरप्राइज अभी बाकी है। इन सब के अलावा दीपिका पादुकोण एंड संजय दत्त भी कैमियो रोल में नजर आएंगे। और नहीं, थैलीपति विजय का कैमियो इसमें नहीं है। कल ही कैमियो की न्यूज को लेकर अपडेट आई थी दैट संजय दत्त विल बी पार्ट ऑफ जवान एंड देयर इज नो कैमियो ऑफ थैलीपति विजय। दीपिका पादुकोण के बारे में बताया जा रहा है कि फ्लैशबैक सीन में SRK लव इंटरेस्ट होगी, और हमारे संजय साहब के रोल के बारे में इस फोर्थ फैक्ट में डिस्कस करना चाहूंगा। तो कुछ दिन पहले आपने ये न्यूज सुनी होगी कि जवान के लिए मेकर्स ने आलू अर्जुन को अप्रोच किया था, वो भी कैमियो रोल था, बट पुष्पा 2 के कारण उन्होंने इस रोल को रिजेक्ट कर दिया था। एंड अब वही रोल संजय दत्त को ऑफर किया गया है, और इस रोल को लेके तो फिलहाल ज्यादा कुछ रिवील नहीं किया गया, बट ये बात तो कंफर्म है दैट संजय इज अ पार्ट ऑफ जवान एंड नेक्स्ट मंथ से ही अपने मुंबई स्टूडियो में अपना शूट करेंगे। फैक्ट नंबर 5, जवान एक पैन इंडिया एक्शन थ्रिलर मास मसाला मूवी है जिसे खुद रेड चिलीज प्रोड्यूस कर रहे हैं। एंड अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स इस मूवी का बजट लगभग 200 करोड़ प्लस है। लेकिन अब आपको ये बात सुनकर शॉक लगेगा कि ये फिल्म अपनी रिलीज तो छोड़ो, बल्कि टीजर ट्रेलर रिलीज से पहले 250 करोड़ का बिजनेस कर चुकी है अपने OTT और सैटेलाइट राइट्स बेच के। OTT राइट्स गए हैं नेटफ्लिक्स के पास और सैटेलाइट राइट्स गए हैं ZTV के पास। एंड अभी तक की टोटल अमाउंट चेन्नई एक्सप्रेस के टोटल डोमेस्टिक कलेक्शन से भी ज्यादा है, जो कि 228 करोड़ था। फैक्ट नंबर 6, क्या आप ये जानते हो कि फिल्म के टाइटल जवान से पहले 2 टाइटल और चर्चाओं में थे, जिसमें सबसे पहले थे संकी और दूसरा था लायन। लेकिन बाद में पता चलता है कि टाइटल संकी नहीं लायन होने वाला था, लेकिन फाइनली जवान टाइटल से इसकी अनाउंसमेंट की गई। देखो, जवान एक अच्छा टाइटल है, लेकिन मैं अपना पर्सनल ओपिनियन रखूं तो मुझे लायन टाइटल इसका बेस्ट लगा था। एक अलग ही फील आती है उसमें, मतलब SRK किंग ऑफ बॉलीवुड एंड लायन किंग ऑफ जंगल। बट चलो कोई नहीं, मेकर्स ने ये भी सोच समझ के रखा होगा। फैक्ट नंबर 7, क्या आप जानते हो कि इस फिल्म का फास्ट एंड फ्यूरियस का एक तगड़ा रिलेशन भी है? नहीं, ऐसा नहीं है कि मूवी आपस में कनेक्टेड है या फिर कोई फास्ट एंड फ्यूरियस का कैरेक्टर जवान में नजर आएगा, ना। बल्कि स्पीडो, जो कि हॉलीवुड के बहुत बड़े एक्शन डायरेक्टर है, वो जवान मूवी के अंदर एक्शन डिजाइन करेंगे। तो समझ जाओ कि एक्शन किस लेवल का होने वाला है। फैक्ट नंबर 8, क्या जवान से कोई सिनेमैटिक यूनिवर्स की शुरुआत होगी या फिर कोई फ्रेंचाइज जैसे जवान 1, जवान 2 ऐसा कुछ? देखो, अभी तक इसका कोई अपडेट तो नहीं है, लेकिन अगर संजय दत्त एंड दीपिका पादुकोण कैमियो के रोल में आने वाले जवान में, तो ऑब्वियसली मेकर्स ने जवान के फ्यूचर के बारे में भी सोचा होगा। और हाँ, अभी सिनेमैटिक यूनिवर्स का ज्यादा ट्रेंड चल रहा है, तो मे भी ऐसा कुछ हो सकता है।
देखो मैं सच बोलूंगा कि इस मूवी को मैं पहले एक हल्के में ले रहा था, बट नाउ आई कैन से दैट दिस इज गोइंग टू बी द वन ऑफ द बिगेस्ट हिट इन इंडियन सिनेमा। ये फिल्म पैन इंडिया रिलीज होने वाली है और स्टार कास्ट तो आपने देखी है, फिर साउथ एंड बॉलीवुड सब मिलकर काम कर रहे हैं, तो मूवी दोनों तरफ से जम के कमाएगी। पठान तो सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में 515 करोड़ कमा गई थी, बट जब तमिल, तेलुगु, मलयालम से भी लैंग्वेजेस में अच्छी कमाई होगी तो सोचो क्या क्या रिकॉर्ड टूटेंगे। जाते जाते इस फिल्म की छोटी सी शूटिंग अपडेट ये है कि मूवी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, बस 25 दिन का शूटिंग पेंडिंग है जो कि लगभग मई के फर्स्ट वीक तक कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि रूमर्स तो ये भी आ रहे हैं कि इस फिल्म को पोस्टपोन कर रहे हैं, बट फिलहाल इसको लेकर कुछ भी कंफर्म नहीं है। वैसे काम के हालत से तो देखकर तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि इसका जून में रिलीज होना काफी मुश्किल है, बट फिलहाल कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट की वेट कर रहे हैं। आपको क्या लगता है ये मूवी जून में रिलीज होगी या नहीं होगी, आप मुझे कमेंट में बताना। चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर देना।